मैंने आसिक पहुंची जाइ फकीरमोहन माटी रे फकीरमोहन सेनापति बासभवन फकीरमोहन सेनापति आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर जनक भावक रे प्रख्यात तांक द्वारा लिखित रेवती ओडिया साहित्यर प्रथम विधिवत गल्प छ माण आठ गुंट लछमा मामू एवं प्रायश्चित आदि बहुत सारा उपन्यास लिखिछन्ति। फकीरमोहन को पोखरीटे रही। हेलो हाय नमस्ते भले था समस्ते जय जगन्नाथ सांग माने आउ एक फ्रेश न्यू ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। सांग माने बालेश्वर एक कलार माटी फकीरमोहन को माटी आउ मिसाइल सिटी भाव रे बालेश्वर परिचित। तो सांग माने आपण मानक बालेश्वर फूड ब्लॉग माछ मार्केट सब देखी आज आम बालेश्वर टाउन को एक्सप्लोर करेबू आपण मानक पूरा शेयर करूँ बालेश्वर कौटी कौन सब अच्छी। तो सांग मैंने देखिपारे यहाँ बालेश्वर नुआ फ्लाई ओवरब्रिज टी एवं प्रस्तुति चली पूरा तैयारी चली अल्प दिन पर यहाँ कम्प्लीट होटा जहाँकि कामिया गेट पाखर यहाँ जा पूरा डीआरडे यहाँ डिफेन्स आईटीआर रास्ता टी हूँ पूरा नुआ रास्ता टी। तो चलतु आज पूरा बालेश्वर को एक्सप्लोर कराइबा लेट्स गो। तो बालेश्वर सहर आपण को स्वागत जनाऊँ रही एफएम कॉलेज को बाट रही रेलवे स्टेशन को बाट अच्छी हॉस्पिटल को बाट अच्छी चांदीपुर बेलाभूमि कोईपर। तो चलतु आपण मानक आज आम पूरा बालेश्वर सहर टाउन एक्सप्लोर करेबू आपण मानक पूरा देखेबू। तो यहाँ देखिपारे आम बालेश्वर कामुलिया फ्लाई ओवरब्रिज ये रही रमाराणी कॉलेज रही। तो यहाँ बालेश्वर तामुलिया फ्लाई ओवरब्रिज। तो फ्लाई ओवरब्रिज रु आम बालेश्वर टाउन भितर को एंट्री करवा। तो ये देखिपारे ओम हॉस्पिटल रही तामुलिया गेट पाखे। अबे हमें बालेश्वर टाउन भितर को एंट्री कर गलु। तो मेन एंट्री गेट देखिपारे जहाँकि बालेश्वर सहर पर विशाल सिटी भाव में बालेश्वर बहुत भाव परिचित अच्छी। तो ये देखिपारे एंट्री रही वेलकम टू विशाल सिटी बालेश्वर। तो देखिपारे बहुत सुंदर भाव में वेलकम विशाल सिटी रही बालेश्वर ताकि आम टाउन भितर को एंट्री कर गलु। देखिपुरछुड़िया पद्मावती वाटर पार्क जापरिवे। तो ये देखिपे ओडिशा रबर फैक्ट्री मध्य रही। तो ये देखिपे जायका इंटरनेशनल जहाँकि बालेश्वर बड़ रेस्टोरेंट रही सब बालेश्वर एक जौकला सहर। तो जौ कंडे ये रही बालेश्वर आईन महाविद्यालय। देखिपे आम लक्ष्मी नारायण मंदिर रही जहाँकि आईटीआई पाखे देखिपे लक्ष्मी नारायण मंदिर रही। ओरी प्लास्ट जहाँकि ओरी प्लास्ट फैक्ट्री मध्य बालेश्वर आईटीआई छक पाखे रही। हरि प्लाजा सांग मैंने ये देखिपे इडको ओडिशा अंगारगड़िया शिल्पांचल अंगारगड़िया ठार इडकर शिल्पांचल सब रही संवाद ऑफिस रही। यहाँ देखिपे आम बालेश्वर आईटीआई छक जहाँकि ये देखिपे आईटीआई पड़िया यहाँ जोटा थिला सेटा है बिजु पटनायक बहुमुखी इंडोर स्टेडियम बड़ स्टेडियम टी एटा आम बालेश्वर नुआ हवा को जाउची। आईटीआई छक पाखर आपण मैने जौ कंडे छक पुलिस लाइन छक सब आड़ को ये आपण मैने जापारे। तो सांग मैंने यहाँ देखिपे बालेश्वर पुलिस लाइन पड़िया रे बहुत बड़ टावर टी अच्छे आगर पिलादे आम यही टावर टी देखिक जाणी आम बालेश्वर यहीटा। तो पुलिस लाइन पाखे बड़ टावर टी रही टावर मध्य बहुत प्रसिद्ध। यहाँ देखिपे आम बालेश्वर पुलिस लाइन आगे रही आम बालेश्वर जहाँकि सेल्फी पॉइंट भाव में बहुत परिचित। सांग मैंने देखुं आम बालेश्वर को आज आम पूरा एक्सप्लोर करेबू आपण मान सहित पूरा देखेबू आम बालेश्वर कौटी कौन सब अच्छी। तो आपण मैंने पूरा वीडियो टी कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ देखिपे आम बालेश्वर पुलिस लाइन
छक ये जहाँकि जो कंटे छक नाम परिचित आपर आईटा को जापर बामपदा को जापर स्टेशन को जापर आजमाबाद को जापर ये देख आपने सब आड़े जापर पुलिस लाइन देखिए ट्राफिक पुलिस स्टेशन बालेश्वर जो कोणारे आम बालेश्वर बहुत प्रसिद्ध आपने रिसेंटली देखी थे बालेश्वर जो कंठ बाहर है जहाँकि जो कला बालेश्वर बहुत प्रसिद्ध से देखिए जो कंठ छकटी एटा कत सुंदर भाव में देखिपे जो कंठ बसीचे जहाँकि जो कंठ छक नाम परिचित ये पुलिस सरकारी उच्च विद्यालय बालेश्वर जो कंठ छक बालेश्वर स्वतंत्र सर्किट हाउस बालेश्वर जो कंठ छकटी बालेश्वर पुलिस लाइन छक ए ट्राफिक टी पड़ी सिग्नाल हेले आम पुणी जीपु आग को मैंने यहाँ देख पारे आम बालेश्वर स्टेशन छक तो स्टेशन छक देख पारे बहुत बड़ वाच टावर टी रही आपने फकीर मोहन गले पुलिस लाइन रेल स्टेशन को एफएम कॉलेज को यही बाटे आपर झाड़ेश्वर इंटरनेशनल स्कूल टे रही बहुत बढ़िया भाव होटल द्रौपदी होटल द्रौपदी रेस्टोरेंट रही वेलकम स्वागत बालेश्वर स्टेशन तो यहाँ देखिए बालेश्वर स्टेशन टी जहाँ कि बालेश्वर स्टेशन रु आप बालेश्वर सब आड़े जापर देखिए बालेश्वर गोटे मात्र सिनेमा हॉल चलती मूवी एक्स टी एटा तो सांग माने देखिपे ये आम बालेश्वर जहाँ कि गांधी स्मृति भवन यहाँ जहाँ कि गोपबंधु पार्क ये अच्छी गांधी स्मृति भवन भितर गोपबंधु पार्क ये रही सांग माने देखिपे बालेश्वर फकीरमोहन गुलई जहाँकि फकीरमोहन सर्कल ये आप बस स्टैंड नुआ बजार कोर्ट कचेरी सब आड़े ये देखिए आपने जापर यहाँ गोटे बालेश्वर एक प्रमुख रास्ता देखिपार आम बालेश्वर बड़ बस स्टैंड जहाँकि पूरा नुआ बस स्टैंड बालेश्वर बस स्टैंड रु आपने बालेश्वर सब जगह को जाके बुल आसपारे तो देखिए बहुत सुंदर भाव में बस स्टैंड बालेश्वर सब बड़ बस स्टैंड ये आप सहदेव खुंटा रेमणा को ये जापर तो साग मैंने बालेश्वर बस स्टैंड देखिले जहाँकि बहुत बढ़िया भाव में नुआ रूप से आपण मन को आम बालेश्वर नुआ बजार आड़ को लेकिन जीव आ देखू तो चलत ब्लग पूरा कंटिन्यू करूँ ये देखिपे बालेश्वर फांडी बजार जहाँ कि फांडी छक तो यहाँ गोटे बालेश्वर प्रमुख जगह जहाँकि प्रबल भिड़ रही था ये आपण मैंने नुआ बजार कोईपारे एफ एम गले को जापारे कोर्ट कचेरी कलेक्टर अफिस् सब ये देखिए आपलेश्वर जापर ये तो चलत आपण मानक आखेबू पूरा ब्लग्रे कंटिन्यू रुंतु बालेश्वर खांडी छक बजार जहाँकि बालेश्वर फल मार्केट यहाँ नुआ बजार को रही बाटटे एपट देखिए आपआ बजार कोईपारे तो ये आदर्श थाना सहदेव खुंटा बालेश्वर ये आम बालेश्वर थाना तो यहाँ देखा थे उपजिलापाल कार्यालय यहाँ देखा थे सब कोर्ट कचेरी ये रही तो यहाँ देखा थे बालेश्वर मिशन शक्ति बजार
मिशन शक्ति बजार एटा बालेश्वर तो एटा देखिबा छै बालेश्वर रो जिलापाल कार्यालय चलो अडा हम बालेश्वर रो कलेक्टर ऑफिस बालेश्वर टेक्निकल स्कूल टेक्निकल स्कूल बालेश्वर चिड़िया पोल पाखरे बालेश्वर देखिए कॉन्वेंट स्कूल कॉन्वेंट रोड बालेश्वर स्टेडियम बालेश्वर गोटे बड़ स्टेडियम जहाँकि हॉस्पिटल पाखरे रही बालेश्वर क्रीड़ा संघ स्टेडियम टी तो यहाँ बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय तो यहाँ बालेश्वर डाक्तरखाना हॉस्पिटल देखिपे बहुत सुंदर भाव पूरा नुआ रूप से चली मो डाक्तरखाना तो यहाँ देखिपे मो डाक्तरखाना बालेश्वर तो चलतु एवं आपण मान को देखेबी बालेश्वर रे आम अच्छा सिनेमा हॉल छक पाखे आम जीव बालेश्वर फायर स्टेशन साने यहाँ देखिए बालेश्वर टाउन हॉल टी तो टाउन हॉल पाखे ये बालेश्वर दमकल केन्द्र ओडिशा दमकल केन्द्र बालेश्वर यहाँ है बालेश्वर मतीगंज मार्केट जहाँ कि बालेश्वर सब जनगहली परिपूर्ण मार्केट टी ये सब बड़े दिन रात ये सब बड़े भिड़ होता है मतीगंज मार्केट टी जहाँकि बालेश्वर सब जिनस था बालेश्वर मतीगंज मार्केट रे लोक मैंने आसती जिनस ना को सब जिन मिलता है टाउन थाना रही बालेश्वर टाउन थाना ये रही देखिए बालेश्वर टाउन थाना बालीघाट को बाट अच्छी आपलीघाट को बाटे कविवर राधानाथ राय तो यहाँ देखिए बालेश्वर गड़गड़िया हाट गड़गड़िया छक यहाँ तो यहाँ गोटे बालेश्वर बहुत प्रमुख सहर यहाँ चांदीपुर को बाट रही बका खेजुर को बाट रही आपटे आसिले गड़गड़िया छक देखिए पूरा बालेश्वर को एंट्री करेंगे बालेश्वर चांदीपुर बेलाभूमि को रास्ता रही देखिपे यहाँ बालेश्वर फकीरमोहन को मार्केट से बालेश्वर फकीरमोहन महाविद्यालय रही देखिपे वाणिज्य विभाग यहाँ देखिपे बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज यहाँ देखिपे बालेश्वर फकीरमोहन विद्यालय जहाँ कि महाविद्यालय एफ एम कॉलेज रोड तो ये बालेश्वर सब बड़ कॉलेज फकीरमोहन को माटी फकीरमोहन को कॉलेज एफ एम कॉलेज फकीरमोहन महाविद्यालय साग मैंने यहाँ देखा थे शांति कानन बालेश्वर जहाँ कि फकीरमोहन को माटी देखा थे ये यहाँ फकीरमोहन को बासभवन तो एबे आम जीव फकीरमोहन को बासभवन को आपण मान पूरा देखेबू फकीरमोहन को बासभवन टी तो ये पाखे रही जिला संस्कृति भवन ये तो ये देखा थे फकीरमोहन को प्राथमिक विद्यालय रही फकीरमोहन को विद्यालय अच्छी तो सांग माने एटा देख पारथिबे बालेश्वर रो फकीरमोहन स्मृति जहाँ कि फकीरमोहन को बास भवन जहाँ कि एडी फकीरमोहन देखि पारथिबे फकीरमोहन को व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति को बड़ स्टैचू टे एठी मध्य अछि
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫକୀରମୋହନ ମାଟିରେ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବାସଭବନ, ଯାହାକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯାହା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଏଇଠି ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସବୁ ଘର ଆଉ ପୁସ୍ତକାଳୟ ସବୁ ଦେଖେଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଥିବେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆବିର୍ଭାବ 1843 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1918 ମସିହାରେ ଯାହା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଜଣକ ଭାବକରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରେବତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗଳ୍ପ, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଦି ବହୁତ ସାରା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବାସଭବନ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରାହୋଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ରହିଛି ପୁସ୍ତକାଳୟ, ରହିଛି ଏଇଠି ଆମର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରହିଛି ଫକୀରମୋହନ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନି ପାର୍କ ଭାବରେ କରିଦିଆହୋଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀଟିଏ ରହିଛି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ଭଳିଆ ଟିକେ କରାହୋଇଛି ଏଠି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ମିନି ପାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆହୋଇଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାର୍କଟି ମିନି ପାର୍କ କରାହୋଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାର, ଏଇଠି ଯିଏ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଦେଖେଇଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କିଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଫ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ।